बिहार के भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने महज 15,000 रुपए में घर की सफाई करने वाला स्मार्ट रोबोट बनाया है। क्या है ये आविष्कार और कैसे करेगा काम, जानिए इस खबर में। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो आपके घर की साफ सफाई की चिंता करेगा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के रोबोट बनाने वाले छात्रों की टीम में इलेक्ट्रिकल ब्रांच द्वितीय वर्ष के निशांत, अविनाश, शुभम अकेला और नदीम अहमद खान शामिल हैं। उनका कहना है कि वो रोबोट बनाने में केवल 15,000 रुपए लगे हैं। इसका नाम स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर रोबोट रखा गया है। ये ब्रांडेड कंपनियों के रोबोट को भी कड़ी टक्कर देगा, जिसकी कीमत बाजार में 1.5 लाख रुपए के आसपास है। स्मार्ट रोबोट की कीमत कम होने से आम लोग भी इसे खरीद सकेंगे। जानिए ये कैसे काम करेगा। रोबोट अल्ट्रासोनिक सेंसर, IR सेंसर और इमेज स्कैन तकनीक के आधार पर काम करेगा। सेंसर के जरिए ये गंदगी वाले स्थलों को चिन्हित कर उनकी सफाई करेगा। घर के अंदर हर कमरे में घूम घूम कर पोछा लगाएगा। भविष्य में इसका इस्तेमाल घरेलू सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए भी कर पाएंगे। टीम को गोल्ड मेडल मिल चुका है। बीते दिनों पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कौशल विकास मिशन प्रतियोगिता में इस रोबोट को प्रदर्शित किया गया था। इसमें रोबोट बनाने वाली टीम को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। छात्रों में सृजनात्मकता देखी गई है। इस स्मार्ट रोबोट को बनाने वाले छात्रों की सराहना करते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अचिंत्य ने कहा है कि उनके छात्रों में सृजनात्मक सोच की कमी नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए संस्थान में शोध परत शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट।